और यही नहीं, अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। इस तकदीर को तुम लोग क्या कर सकोगे यार, तुम लोग क्या कर सकोगे। मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। हाँ, ये और बात है कि 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, सुस्तों के लिए, दलितों के लिए, हाँ ये बात सही है। गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा। मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, गरीब देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के, पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा, और जब तक रहेगा लड़ता रहेगा, करता रहेगा, जितना भी गाली देना है दे दो, मगर हम कभी पीछे गरीबों के आंख के आंसू को जब तक गोश नहीं देते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। मोदी ने ये कहा, गाली देना है दे दो, दर्द है, दर्द है। इन लोगों की पीड़ा मैं जान सकता हूं सर, मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं, पिछड़ा समाज का बेटा हूं सर, किसान, छोटे किसान का बेटा हूं सर, मैं जान सकता हूं सर, मैं जान सकता हूं क्यों दर्द है। इन नए घमंडियों को क्यों दर्द है। मोदी ने इनके भ्रष्टाचार को बंद किया है। आप महोदय, अगर अरे बैठ जाइए, अपनी बात का बेटा भाई तो होता हिंदुस्तान की आजादी के बाद मोदी को भारत की जनता ने चुना, गरीब के बेटा को जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, पिताजी चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पर, उसका बेटा अगर हिंदुस्तान के जनता का तकदीर बदलता है, तस्वीर बदलता है, उसके आंख को आंखों पोसता है, तो इन लोगों को दर्द है। दर्द इसलिए भी है खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, मोदी पिछड़ा का बेटा है,